ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। लॉकडाउन का असर अब हर वर्ग पर होना शुरू हो गया है। इसी के चलते किराए पर दुकान लेकर चलाने वाले व्यापारियों के सामने किराए को लेकर विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। गत डेढ़ माह से लॉकडाउन की वजह से दुकानों का परिचालन पूर्णतया ठप पड़ा हुआ है। सरकार द्वारा व्यापारियों से अपने कामगारों को सैलरी देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। महीनों से बंद दुकानों के किराए, कामगारों की सैलरी, बिजली का बिल आदि खर्चे को लेकर व्यापारी पेशो पेश में पड़ गए हैं। व्यापारियों के अनुसार आय के सारे स्रोत बंद हो गए हैं, वहीं व्यय के सारे स्रोत खुल गए हैं। इस संबंध में गीदम रोड स्थित शर्मा प्लाईवुड के संचालक ने प्राइम न्यूज 24 से बात की। देखिए, दुकान चलाने में पूरी ही परेशानी है, क्योंकि इनका पूरा ही बंद हो गया। 40 दिन का लॉकडाउन पूरा हो गया। जब 3 तारीख से चालू हुआ है तो रायपुर पूरा बंद है। सामान कुछ आ नहीं रहा है, दुकान खुल भी रहा है पर सामान है नहीं। तो सामान है नहीं तो इनकम में कुछ है नहीं। अभी भी वही परेशानी है। अब 6-6 स्टाफ है दुकान में, उसका भी तनख्वाह देने में दिक्कत हो रहा है। प्लस 13,700 पर महीना किराया लग रहा है, इसका भी दिक्कत हो रहा है, जो डेढ़ महीना हो चुके हैं। अब ये पता नहीं कि दुकान मालिक जो है किराया माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, ये बता नहीं सकता हूँ। जगदलपुर के ग्रीन जोन में आने के कारण 4 मई से शहर की लगभग सारी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रशासन से प्राप्त हो गई है। फिर भी सुबह 9 से 4 बजे तक ही दुकानों का संचालन किया जा रहा है। व्यापारियों के अनुसार इन दिनों दिन में अत्यधिक धूप की वजह से ग्राहकों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस दौरान किराए के दुकानों के संचालन में हो रही परेशानी के संबंध में मेन रोड स्थित एक दुकान के संचालक ने प्राइम न्यूज 24 से अपनी परेशानी बताई। तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, वर्करों का पेमेंटों का दिक्कत है और घरों में भी हम लोगों की परेशानियाँ हैं ही हैं। घर में पेमेंट की मतलब काम ही नहीं है इस समय, तो 4-1.5 महीने से जो कुछ काम हुआ ही नहीं है। और किराए में चल रही है? हाँ, ये दुकान किराए में है, दुकान का किराया भी देना है। दुकान मालिक कौन मानेंगे? अभी सरकार के कहने से होता क्या है? सरकार कोई दुकान मालिक को थोड़ी समझाएगा। और दुकान मालिक अगर मान लो, अभी मान के चलो, किसी भी दुकान मालिक को हम लोग अगर बोलेंगे हम किराया नहीं दे रहे, कल उठ के आज वो छोड़ देगा। 4-6 महीने तो बोलेगा कि भैया हमारा पुराना वाला हिसाब चाहिए, या वो आपने नहीं दिया, उस पर दुकान खाली कर दो, ऐसा ही बोल सकता है बाद में। वही सरकार अगर चाहे उसको डायरेक्ट उन लोगों तक वो पेमेंट जो हम लोगों का पेमेंट है वो दे, तो जा तो कुछ समय में आता है। मतलब उनको उनका भी तो खर्चा उसी चलता है, दुकान मालिकों का क्या है। तो आप लोग के लॉकडाउन में दुकान बंद होने के कारण किराया का बराबर भुगतान करना ही पड़ रहा है? करना पड़ेगा। कोई भी दुकान मालिक इस बात से नहीं, वो होगा वो उस चीज़ को नहीं मानेगा, उसको क्या मतलब है ऐसा रहता है। दूसरी बात, वर्करों की पेमेंट है ये भी तो देनी पड़ेंगे, इन लोगों का कहाँ चलेगा? अगर हम लोग पेमेंट नहीं देंगे तो इनका कहाँ चलेगा? पेमेंट तो हम लोग को देना ही देना है। इनके घर परिवार, ये लोग हम ही लोग से जुड़े हुए हैं, इन लोगों का और कोई काम थोड़ी है। इधर शासन ने शनिवार और रविवार को सारी दुकानों के संचालन पर रोक लगा दी है। व्यापारियों के अनुसार रविवार के दिन बस्तर क्षेत्र में होने के कारण व्यापार की अधिकता रहती है, लेकिन अब रविवार को होने वाले व्यापार से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट।